हेलो एवरीवन, राधे राधे आप सभी को। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे अपने घरों में। सबसे पहले हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ़ यू। ये आज का वीडियो जन्माष्टमी स्पेशल वीडियो है, तो देखते हैं कि कान्हा जी का श्रृंगार कैसे हुआ है, उन्हें कैसे तैयार किया गया है। तो लेट्स गो। तो यहाँ फूल माला रखी गई है कान्हा जी के लिए, और उनकी ड्रेस रखी हुई है, प्यारी खूबसूरत से सुंदर से ड्रेस, और उनके लिए ज्वेलरी, उनकी पायल, उनकी नथ, वो सारी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं। और इस बाउल में गंगा जल रखा हुआ है जिसे उनको नहलाया जाएगा। उसके बाद एक छोटी सी प्लेट और उनके पूजा के लिए सजाई गई है, जैसे आपके घर में भी सजाई जाती है, सभी के घर में सजाई जाती है, वैसे हमने भी तैयार की है। फिर हमारी ये गाय माता हैं जो वहाँ पे विराजमान है आसन पे। उसके बाद सुंदर सा प्यारा सा सिंहासन आसन हमारे लड्डू गोपाल का, जो अभी खाली रखा है, तैयार होने के बाद हमारे ये लड्डू गोपाल विराजमान होंगे उस पर। तो अब चलते हैं आगे कुछ देखने। यहाँ पे प्रसाद थोड़ा सा बना के रखा गया है, चंदामृत है, गंगा जल और सारी चीज़ें। ये यहाँ पे सजाया गया है गोपिकाओं के लिए, मतलब गोपिकाएं रखी गई हैं। कान्हा जी को पता है ना कि गोपिकाएं पसंद हैं, गोपिकाओं को कान्हा जी पसंद है, तो उनके लिए थोड़ा सा ये सजाया गया है, डिकोर किया गया है। अब वो सुंदर सी घड़ी आ चुकी है जब हमारे कान्हा जी का जन्म हुआ है, और जन्म लेने के बाद फिर कान्हा जी का स्नान कराया जाता है, उनको तैयार किया जाता है। तो कान्हा जी का जब जन्म होता है, एक बहुत ही खूबसूरत सी घड़ी, बहुत ही शुभ घड़ी में कान्हा जी का जन्म हुआ है, उनको लाने के बाद इस गंगा जल में बिठाया जाता है। और एक हमारे पहले के भी लड्डू गोपाल हैं छोटे से, तो उनको भी साथ में, उनकी भी पूजा की जाएगी, तो उनको भी लाके इस गंगा जल वाले पात्र में डाला गया है। उसके बाद धीरे धीरे करते हुए हम इनको नहलाते हैं, कई सारी चीज़ों से इनको नहलाया जाता है। गंगा जल से नहलाने के बाद इनको हम शहद से नहलाते हैं। ये शहद डाला गया है हमारे लड्डू गोपाल के शरीर पे, उसके बाद मल मल के उनको नहलाया जा रहा है शहद से। शहद से उनको अच्छे से नहलाने के बाद में फिर हम एक दूसरी चीज़ से इनको नहलाएंगे, वो है घी। शहद से नहाने के बाद घी, दूध, दही, घी, शहद, मतलब इन सारी चीज़ों से लड्डू गोपाल को नहलाया जाएगा। अब हम कान्हा जी को दूध से स्नान कराएंगे, तो उनको दूध से स्नान करा रहे हैं अभी। आपने देखा है कि पहले हमने उनको गंगा जल से स्नान कराया है, उसके बाद हमने घी से स्नान कराया है, शहद से स्नान कराया है, और अब हम उनको दूध से स्नान करा रहे हैं। इन सारी चीज़ों से स्नान करवाने के बाद हम एक और अगली चीज़ से स्नान करवाएंगे, ताकि बहुत प्यारे से, बहुत सुंदर से हमारे कान्हा जी हो जाएं। इन सारी चीज़ों से स्नान करने के बाद कभी मौका मिले तो आप भी स्नान करिए इन सारी। अब हमारे लड्डू गोपाल जी दही से स्नान करेंगे। अब हम अपने कान्हा जी को चंदन लगाएंगे, चंदन का लेप लगता है। आप लोग भी कभी कभी चंदन का लेप लगाते होंगे, कहते हैं कि हाँ, त्वचा की सुंदरता के लिए चंदन का लेप लगाया जाता है, महिलाएं, कुछ पुरुष, बहुत सारे लोग लगाते हैं जिसको सूट कर जाए। तो चंदन का लेप हमारे लड्डू गोपाल को भी लग रहा है, ताकि श्याम रंग और निखर जाए। वैसे तो श्याम रंग अपने आप में बहुत ही सुंदर रंग है, लेकिन और सुंदरता को निखारने के लिए, अच्छा करने के लिए हम चंदन का लेप लगा रहे हैं अपने लड्डू गोपाल को। अब सारी चीज़ों से नहलाने के बाद फाइनली अब हम अपने लड्डू गोपाल को पानी से नहला रहे हैं, शुद्ध जल से नहला रहे हैं, ताकि उनको पूरी तरह से आप पानी से नहलाने के बाद साफ तरह से पोंछ दें, अच्छे से कर दें, और उसके बाद हम उनको अच्छा सा, सुंदर सा तैयार करें अपने लड्डू गोपाल को। तो दिल थाम के बैठिए आप सब, क्योंकि हमारे, आपके, हम सब के लड्डू गोपाल का श्रृंगार शुरू हो चुका है। तो अब हम श्रृंगार में सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल को चूड़ियाँ बनाते हैं, उसके बाद हम इनकी पाओजेब, जिन्हें पायल कहते हैं, वो पहनाएंगे। धीरे धीरे इनके सारा श्रृंगार शुरू हो रहा है। अब चूड़ी और पायल पहनने के बाद अब हमारे लड्डू गोपाल कान में सुंदर सुंदर सी बालियाँ पहनी हैं उन्होंने,
हमने उनको बालियाँ पहना दी हैं। ये अब देख रहे हैं कितनी प्यारी खूबसूरत सी पायल उन्होंने पहन रखी है और प्यारे से कंगन, प्यारी सी चूड़ियाँ हाथ में डाल रखी हैं। एक पायल और है जो दूसरे पीछे वाले पैर में डाली जा रही है। कितनी प्यारी सी पायल लग रही है। और अभी सुंदर से लड्डू गोपाल तैयार हो रहे हैं हमारे। अब हमारे लड्डू गोपाल को हमने वस्त्र पहना दिए हैं, प्यारे प्यारे से सुंदर सुंदर से वस्त्र पहन के हमारे लड्डू गोपाल तैयार हो रहे हैं। खूबसूरत सी इनकी ड्रेस है और अभी खूबसूरत सा इनका मुकुट लगेगा। तो तैयार हो रहे हैं हमारे लड्डू। तो प्यारी से तैयार हो गए हमारे कान्हा, मुरली वाले बंसी वाले कान्हा। इनको देख के तो सुंदर से चेहरा देख के कुछ बोल याद आते हैं कि कितना प्यारा है श्रृंगार की तेरी लियो नजर उतार, कितना प्यारा है, ओहो कितना प्यारा है श्रृंगार कि तेरी लियो नजर उतार, कितना प्यारा है, आए है कितना प्यारा है। सच में इतना प्यारा, इतना खूबसूरत, मतलब दिल खुश हो जाए देख के कान्हा जी को, लड्डू गोपाल को हमारे सुंदर से। लड्डू गोपाल का भोग लग रहा है। हैप्पी बर्थडे लड्डू गोपाल, हैप्पी जन्माष्टमी, हैप्पी जन्माष्टमी, हैप्पी बर्थडे कन्हैया। जो मन लगाया हो जाए तो थोड़ा निकाल के।